तो दोस्तों आज हम डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं और कंपेयर करने वाले हैं रियलमी 8i, रियलमी नाज़रो 30 और जाओमी का रेडमी 10 प्राइम। तो तीनों फ़ोन में दो फ़ोन रियलमी की तरफ से है और एक फ़ोन रेडमी की तरफ से है। हाल ही में रियलमी 8i और रेडमी 10 प्राइम लॉन्च हुआ है, जबकि रियलमी नाज़रो 30 पहले ही लॉन्च हो चुका था। तो प्राइस सेगमेंट की अगर बात करें तो तीनों मोबाइल में दो वेरियंट आपको मिल जाता है। एक है 64 GB विथ 4 GB रैम, दूसरा है 128 GB रोम विथ 6 GB रैम। ये स्पेसिफिकेशन तीनों में आपको मिल जाता है। तो आते हैं रियलमी 8i में। मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट का वैल्यू आज के डेट में बता रहा हूँ। यहाँ पे 4 GB का रैम का जो वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट 14,000 प्राइस है। 8i का जो 6 GB वेरियंट है वो 16,000 का है। अब आते हैं रियलमी नाज़रो 30 में। नाज़रो 30 4 GB वेरियंट का प्राइस है ऑलमोस्ट 13,500 रुपये। रियलमी नाज़रो 30 जो 6 GB वेरियंट है वो है 15,500 रुपये। अब आते हैं रेडमी 10 प्राइम में, जो 4 GB का वेरियंट है वो है 14,825 और जो 10 प्राइम है वो है 16,875 जो 6 GB में आता है। अब बात करते हैं इसका डायमेंशन के बारे में। तो तीनों फ़ोन में जो रियलमी 8i है वो दोनों मोबाइल से थोड़ा हेवियर साइड में है। रियलमी 8i ऑलमोस्ट 194 ग्राम में आता है, जबकि नाज़रो 30 और रेडमी 10 प्राइम दोनों 192 ग्राम में इसका वजन है। तीनों में आपको डुअल सिम विद डुअल स्टैंड बाई सिम आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले में। तीनों फ़ोन में जो नाज़रो 30 और रेडमी 10 प्राइम है दोनों में आपको 6.5 का आपको डिस्प्ले मिल जाता है। नाज़रो 30 और 10 प्राइम में दोनों में आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेशिंग रेट मिलता है, जबकि रियलमी 8i में आपको 120 हर्ट्ज का विथ 600 निट्स ब्राइटनेस का आपको रिफ्रेशिंग रेट यहाँ पे मिल जाता है। रियलमी आई में आपको 20:9 रेशियो मिल जाता है, जो कि स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कहा जाता है, विथ 400 PPI पिक्सल डेंसिटी। नाज़रो 30 और 10 प्राइम में भी आपको 20:9 आपको मिल जाता है। तीनों फ़ोन में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है। नाज़रो 30 और 10 प्राइम में दोनों में आपको जो पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलता है 405 है। अब आते हैं प्लेटफॉर्म के बारे में। तीनों फ़ोन एंड्रॉयड 11 इसमें इंस्टॉल्ड है, जहाँ पे आपको रियलमी में रियलमी UI 2.0 आपको देखने को मिलता है, जो कि अप टू डेट है, और MIUI 12.5 आपको देखने को मिलता है रेडमी 10 प्राइम में, जो कि अप टू डेट है। जो चिपसेट यूज़ किया गया है रियलमी 8i में वो है हीलियो G96, जो कि 95 का अपग्रेड वर्शन है, और 95 आपको देखने को मिलता है नाज़रो 30 में, जबकि रेडमी 10 प्राइम में आपको हीलियो G88 आपको मिल जाता है। CPU तीनों में सेम मिलता है, कोई इसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तीनों में आपको कॉर्टेक्स A55 आपको मिल जाता है और कॉर्टेक्स A75। GPU का अगर बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा ऊंच नीच है। जैसे कि Realme 8i में आपको माली G57 MC2 मिल जाता है, आपको नाज़रो 30 में माली G76 MC4 मिल जाता है, और Redmi 10 Prime में आपको G52 MC2 मिल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, गेमिंग आप तीनों फ़ोन में कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रायोरिटी ज़्यादा मिल जाता है आपको नाज़रो 30 में, क्योंकि यहाँ पे G76 MC4 यूज़ किया गया विथ हीलियो G95 जो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि G95 और 96 में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर रियलमी 8i अगर देखते हैं तो वहाँ पे आपको माली G57 मिल जाता है, इसलिए गेमिंग में थोड़ा आपको नाज़रो 30 में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अब आते हैं मेमोरी के बारे में। यहाँ पे तीनों फ़ोन में आपको पहले में आपको बता दी, आपको एक 6 GB और 4 GB वेरिएंट आपको मिल जाता है, और डेडिकेटेड स्लॉट तीनों फ़ोन में दिया गया है, मतलब दो सिम कार्ड और एक SD कार्ड यहाँ पे लग जाएगा। बात करते हैं कैमरा पे। रियलमी 8i और 10 प्राइम में दोनों में आपको 50 MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। बात करते हैं रियलमी 8i में, जिसमें आपको प्राइमरी 50 MP और जो कि वाइड एंगल व्यू है, 2 MP मैक्रो है और 2 MP डेप्थ है। इसमें आपको लेट फ्लैश मिल जाता है, लेकिन जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 30 FPS 1080p में होता है। बात करते हैं नाज़रो 30 में, यहाँ पे आपको 48 MP देखने को मिलता है, जो कि वाइड एंगल है, और 2 MP, दो 2 MP है, एक है मैक्रो और दूसरा डेप्थ में। इसमें आपको 30 FPS में 4K रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, 30, 60, 120 FPS में आप 1080p में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और इसमें जायरो EIS स्टेबलाइजेशन दिया गया है। बात करते हैं रेडमी 10 प्राइम, इसका जो कैमरा है थोड़ा अलग है बाकी दोनों से, और मुझे पर्सनली लगता है कैमरा में ज़्यादा प्रेफरेंस इसमें अच्छा है। 50 MP आपको मिलता है जो कि वाइड है,
8 मेगापिक्सल आपको मिलता है जो कि अल्ट्रा वाइड है, जो कि 120 डिग्री कवर कर सकती है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ दिया गया है। इसका कैमरा मैंने चेक किया था, पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कैमरा का क्वालिटी है। और मैक्रो में इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको LED फ्लैश भी मिल जाता है और इसमें आप 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p में। बात करते हैं सेल्फी कैमरा में, Realme 8i Nazro 30 में दोनों आपको 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलता है जो कि वाइड एंगल व्यू है, जबकि Redmi 10 Prime में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है वाइड एंगल व्यू। वीडियो अगर बात करें तो Realme 8i में 30 फ्रेम पर सेकंड में 1080p में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन Nazro 30 में आप यहां पे 120 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से, जबकि 10 Prime में आप सिर्फ 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो तीनों फ़ोन का साउंड जो है काफ़ी लाउड है, कोई किसी से कम यहाँ पर है नहीं। कनेक्टिविटी में बात करें तो तीनों में वाईफाई दिया गया है। ब्लूटूथ का बात करें तो Realme 8i और Redmi 10 Prime आपको 5.1 मिल जाता है वर्शन, जबकि Nazro 30 में 5.0 मिल जाता है वर्शन। GPS enabled है, NFC सिर्फ आपको Nazro 30 में देखने को मिलता है, बाकी दोनों में नहीं है। इंफ्रारेड पोर्ट आपको देखने को मिलता है Redmi 10 Prime, जितने भी 10,000 के ऊपर वेरिएंट है Redmi के, सभी में आपको ऑलमोस्ट ये इंफ्रारेड सेंसर मिल जाता है, जिससे आप जो भी स्मार्ट डिवाइस है अपने घर में सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। रेडियो कनेक्टिविटी तीनों में मिल जाता है। USB की अगर बात करें तो तीनों में आपको Type-C 2.0 का आपको कनेक्टिविटी मिल जाता है। तीनों फ़ोन में आपको एक्सेलेरोमीटर, फिंगरप्रिंट, जायरो, प्रॉक्सिमिटी कॉम्पास, ये सब फैसिलिटी मिल जाता है जो कि फीचर्स के अंडर में आता है। बैटरी का अगर बात करूँ दोस्तों तो Redmi 10 Prime में 6000 mAh का मैसिव बैटरी आपको मिलता है, जो कि फास्ट चार्जिंग है 18 वाट, और यहाँ पे आपको रिवर्स चार्जिंग देखने को मिलता है जो कि 9 वाट से चार्ज हो सकता है। बात करते हैं Realme 8i में, यहाँ पे आपको 5000 mAh और Nazro 30 में भी 5000 mAh देखने को मिलता है। Realme 8i में जहाँ आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, वहाँ पर Nazro 30 में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है। यहाँ पर आप 100% विदिन 65 मिनट में आप कर सकते हैं जहाँ एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। और ये कुछ कलर्स हैं जो तीनों फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, Realme 8i और Redmi 10 Prime में दोनों में आपको डायनेमिक रैम देखने को मिलता है, जहाँ पे आप Realme 8i में अप टू 5GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हैं। डायनेमिक रैम जो होता है वो बेसिकली जो इंटरनल मेमोरी जो दिया जाता है वहाँ से 5GB रैम वो ले लेता है, कंज्यूम कर लेता है और एक वर्चुअल रैम क्रिएट करता है। उससे आपको जितने भी ऐप्स हैं ओपन करने में और जो एनिमेशन है वहाँ पे बहुत आपको हेल्प मिलता है। तो Redmi 10 Prime में भी ये डायनेमिक रैम दिया गया है और Realme 8i में भी दिया गया है। Redmi में उसका जो लिमिटेशन है अप टू 2GB है और Realme 8i में अप टू 5GB है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल टेक्निकल ट्यूनर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर एंड कीप वॉचिंग टेक्निकल ट्यूनर।